हरे कृष्णा। जीवन का सार समझने वाले और इंद्रिय भोग से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए ये कैसे संभव है कि वह भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण ना करे और उनकी कथाओं को बारंबार ना सुने। सच्ची वाणी तो वही है जो भगवान के गुणों का बारंबार वखान करे। सच्चा मन वही है जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करे और सच्चे कान वही है जो सदा उनकी गाथाओं का श्रवण करते रहे। तो चलिए अपने इस जीवन को सफल बनाते हुए आज हम भी श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से एक और मधुर कथा का। पिछले अध्याय में हमने सुना कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आए हुए कृष्ण बलराम और उनके समस्त परिवार का दर्शन करने और इस सुंदर अवसर का लाभ उठाने के लिए अन्य अनेक राजा महाराजा और परिवार भी वहां आए हुए थे। उस समय नंद महाराज की अध्यक्षता में सभी ब्रजवासी भी वहां पधारे थे। अवसर पाते ही द्रौपदी श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से बातचीत करती है और भगवान ने उनसे किस प्रकार विवाह किया इसकी सुंदर और रोचक प्रसंग सुनाती है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का प्रेम देखकर द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सुभद्रा इत्यादि सभी स्त्रियों ने अपने हृदय में उनकी प्रशंसा की। भगवान के कुरुक्षेत्र में पधारने के अवसर का लाभ महान ऋषि मुनियों ने भी उठाया। कृष्ण बलराम को कुरुक्षेत्र में आया देखकर सभी विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि वहां एकत्रित हो गए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम थे श्रील व्यासदेव, नारद मुनि, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम एवं उनके शिष्य वशिष्ठ, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, चार कुमार, अंगिरा, अगस्त्य एवं वामदेव। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने इन सभी ऋषि मुनियों का अत्यंत आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया, सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई, चंदन का लेप लगाया, आरती उतारी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। इस प्रकार भगवान ने सभी ऋषियों को उचित सम्मान देते हुए कहा, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन करने, आपसे विचार विमर्श करने और आपको प्रणाम करने का तथा आपकी विविध प्रकार से सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने से अथवा मंदिर में विविध प्रकार से पूजा करने से व्यक्ति उतनी तेजी से शुद्ध नहीं होता जितना आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र से एक क्षण में शुद्ध हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पंच तत्व से बने इस शरीर को ही सर्वव्यापी आत्मा समझता है और अपने परिवार जनों को ही अपना सब कुछ मानता है एवं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए दिव्य साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं रखता, वह निश्चित तौर पर मनुष्य होते हुए भी गाय और गधे के समान है। श्री कृष्ण के इन मधुर और शास्त्रोचित वचनों की वहाँ एकत्रित सभी ब्राह्मणों ने एक मत होकर प्रशंसा की और अब बारी थी ब्राह्मणों की। सो वे इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपकी ये मानवीय लीला तो केवल आपकी माया का एक चमत्कार है। सच में आपका ये व्यवहार कितना अद्भुत है कि आप अत्यंत सहजता से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर अंत में उसे अपने ही अंदर समेट लेते हैं। समय आने पर आप स्वयं को इस धरातल पर धर्म की रक्षा करने हेतु प्रकट करते हैं। आप सभी साधु संतों के परम लक्ष्य हैं। हे प्रभु, आज आपके दर्शन करने से हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या और दृष्टि सब कुछ धन्य हो गया है। इस संसार के मोहग्रस्त व्यक्ति आपकी माया शक्ति से प्रभावित होकर आपको इस प्रकार समझ नहीं पाते। जिस प्रकार सपना देख रहा व्यक्ति अपनी जागृत पहचान को भूलकर किसी दूसरी वस्तु को ही सत्य मान बैठता है। आप हर क्षण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं और संसार के किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है कि आपको पूरी तरह जान सके। आज हमें अपने नेत्रों से उन चरण कमल के दर्शन हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी जन्मों जन्मों तक दृष्टिगोचर नहीं होते। हे भगवान, हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप अपनी अहेतु की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे ऋषिगण वहां उपस्थित सभी राजाओं से अनुमति लेकर लौटने की तैयारी करने लगे। उन्हें वहां से जाता हुआ देखकर वसुदेव उनके पास आए और उन्हें झुककर चरण स्पर्श किए। वसुदेव ने उन्हें कहा, हे विप्रवरों, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। वसुदेव के इस प्रश्न को सुनकर देवर्षि नारद मुनि उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वसुदेव अपने कल्याण के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में वे भगवान को अपने पुत्र के समान मानते हैं। भगवान नहीं, इसलिए वे नहीं जानते कि स्वयं श्री कृष्ण को अपना पुत्र बनाकर उन्होंने पहले ही जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार गंगा तट पर रहने वाला व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के लिए अन्य दूर के तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, उसी प्रकार वसुदेव हमारे समक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद मुनि की बात से सहमत होते हुए कुछ अन्य ऋषियों ने कहा,
शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्म परायण गृहस्थ के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की, पारिवारिक जीवन और सुख समृद्धि की इच्छा का त्याग करना चाहिए और काल की गति का अध्ययन करते हुए अगले जन्म में स्वर्ग लोक प्राप्त करने की अभिलाषा को भी छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर वसुदेव जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषि मुनियों ने भी इसे अपना परम सौभाग्य मानकर उनकी विनती को स्वीकार किया और उनको यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ का समाचार पाते ही वृष्णवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आ पहुँचे और अपने साथ आवश्यक सामग्रियाँ भी ले आए। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य हो रहे थे, मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी और गंधर्व गण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव जी ने अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल में आसन ग्रहण किया। उचित मंत्रों, सामग्रियों और अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में वस्त्र, आभूषण, गायें और भूमि दान में दी। अंत में ऋषियों के मार्गदर्शन में पत्नी संयाज अनुष्ठान और अवभूत स्नान को आयोजन किया गया और तब वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान परशुराम द्वारा निर्मित 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। इसके बाद वसुदेव जी ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया और यज्ञ कुशलता पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने वहां आए हुए सभी राजाओं को तथा प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान उपहार दिए। सभी राजाओं ने श्री कृष्ण से वापस लौटने की आज्ञा ली और वसुदेव जी द्वारा संपन्न इस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद वसुदेव नंद महाराज जी के पास आए और उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार बोले, हे मित्र, कंस के अत्याचार के दिनों में बंदी होने के कारण हम तुम्हारी अधिक सहायता या सेवा नहीं कर पाए और उसके बाद अपने ऐश्वर्य के गर्व में चूर होकर हमने तुम जैसे सज्जन की उपेक्षा की। यद्यपि मैं सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा हूँ, परंतु तुमने कभी भी अपनी मित्रता का हाथ मुझे नहीं छीना। यही तुम्हारी महानता है। वसुदेव जी की ये बात सुनकर नंद महाराज उनसे अपनी मित्रता का स्मरण करके रोने लगे। इतने वर्षों बाद कृष्ण बलराम से हुए मिलन के कारण नंद महाराज और ब्रजवासी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। किसी न किसी बहाने से वे अपना प्रस्थान टालते रहे और इस प्रकार वे सब कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 3 महीने तक रुके रहे और जी भर के भगवान की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाया। अंत में नंद महाराज ने वसुदेव से जाने की आज्ञा मांगी और बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों और अन्य मूल्यवान उपहार के साथ सभी व्रजवासी वापस लौटने के लिए निकल पड़े। हालांकि नंद महाराज और सभी व्रजवासियों के शरीर वृंदावन वापस जा रहे थे, लेकिन उनके मन वहीं श्री कृष्ण बलराम के पास ही रह गए थे। अंततः वर्षा ऋतु का आगमन होता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया और वहां पहुंचकर उन्होंने सब लोगों को अपने प्रिय जनों से हुई भेंट तथा अन्य घटनाएं कह सुनाई। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम विशेष कथा और इसी प्रकार से अन्य रोमांचक कथाओं के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आप श्रीमद् भागवतम की इन मधुर कथाओं का रसपान करिए, उनका श्रवण कीजिए और उसको सदैव अपने मन में धारण करके रखिए। इस बार गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष भगवद गीता क्रैश कोर्स। अगर आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस्कॉन लुधियाना द्वारा आयोजित ये कोर्स 18 सत्र का रहेगा, जिसमें कोर्स के पूर्ण होने पर आपको एक सर्टिफिकेट और भगवद गीता यथारूप भेंट दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। हरे कृष्णा।